दोस्तों आज की वीडियो में आपसे मैं बात कर रहा हूँ हमदर्द कंपनी के जिगरीन सिरप के बारे में। लीवर से जुड़ी हुई समस्याओं में काफी प्रमुखता के साथ में प्रयोग किए जाने वाली यह यूनानी मेडिसिन किस तरह से आपको फायदा करती है, क्या क्या इसके मुख्य इंग्रेडिएंट रहते हैं, क्या इसका सेवन करने की सही विधि रहती है और इससे जुड़े हुए दूसरे पहलुओं के बारे में। तो अपनी वीडियो के मेन पार्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं हमदर्द के इस जिगरीन सिरप के साथ में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है एक बोतल जिसमें कुल मिलाकर के 200 ml अर्थात 200 ml दवाई भरी गई है। कुछ इस तरह का यह आपको नजर आता है हिमालय जिगरीन सिरप। बात करें इससे मिलने वाले फायदों के बारे में, तो फायदे समझने के लिए हम सबसे पहले इसके फॉर्मुलेशन की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सिरप के अंदर में मकोए, कासनी, रेवंद चीनी, नोसादर इस तरह से करके लगभग 24 मेडिसिंस, हर्बल जड़ी बूटियां मिलाई जाती हैं और एक विशिष्ट प्रोसीजर को फॉलो करते हुए इस सिरप का निर्माण किया जाता है जिसका नाम रहता है हमदर्द का जिगरीन सिरप। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस सिरप से मिलने वाले फायदों के बारे में। तो फ्रेंड्स, पैकेट के ऊपर ही मेंशन किया गया है कि प्रोटेक्ट्स द लीवर फ्रॉम केमिकल्स एंड टॉक्सिंस, प्रमोट्स एपेटाइट एंड डाइजेशन। इट मींस यह जो जिगरीन सिरप है यह ना सिर्फ लीवर को प्रोटेक्ट करता है, लीवर की बीमारियों से आपको छुटकारा दिलाने में मदद करता है, उसके अलावा यह डाइजेशन और पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला भी रहता है। ऐसे रोगी जिनको विभिन्न कारणों से बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट हो जाने के कारण, बहुत ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड आदि खाने के कारण, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल युक्त आहार सेवन करने के कारण लीवर फैटी हो गया है, अल्ट्रासाउंड कराने पर मालूम होता है कि लीवर फैटी है और डॉक्टर सलाह देते हैं कि शरीर का कुछ वजन कम कीजिए और साथ ही लीवर को सपोर्ट करने के लिए कुछ अच्छी रेमेडी के तौर पर यह जिगरीन सिरप जो है जाना जाता है। उसके अलावा अपनी प्राकृतिक शक्ति के साथ में यह जिगरीन सिरप उन लोगों को भी काम करता है कि जिनकी पाचन शक्ति कमजोर है, खाना खाने के बाद जिनको ऐसा लगता है कि खाना पेट में ही रखा गया है, नीचे नहीं उतर रहा है, तो यह डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्प करता है खाने को डाइजेस्ट होने के लिए। इन सब के अलावा यह शरीर में खून बढ़ाने का भी काम करता है और बॉडी को एक ओवरऑल एनर्जेटिक फील कराने के लिए भी इस जिगरीन सिरप का आप रेगुलर बेस पर सेवन कर सकते हैं। लंबी बीमारी के बाद में या बहुत सारे मेडिसिंस, किसी तरह का लंबा ट्रीटमेंट चला है, बहुत सारे मेडिसिंस खाई हैं, उनके इफेक्ट लीवर के ऊपर आने लगे हैं, तो लीवर को रिजुविनेट करने के लिए यह जिगरीन सिरप एक अच्छी चॉइस आपके लिए साबित हो सकता है। बात करते हैं कि इसको कंज्यूम आपको कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो ढक्कन लगा हुआ है 5 ml का रहता है। बड़े जो नॉर्मल अडल्ट इंसान हैं उनको 2 ढक्कन दवाई अर्थात 10 ml दवाई दिन में 2 बार पीनी होती है, सुबह के समय और रात के समय, खाना खाने के लगभग 20 मिनट के बाद में। 20 ml दवाई में आप 20 या 40 ml पानी मिलाकर, 10 ml दवाई में आप 10 या 20 ml पानी मिलाकर के सेवन कर सकते हैं और जो बच्चों की आयु 12-13 साल से कम है उनके लिए 5 ml की खुराक में अर्थात 1 ढक्कन दवाई और 1 या 2 ढक्कन पानी मिलाकर के सेवन कराना सुरक्षित रहता है। उन सब के बाद में फ्रेंड्स बात करें सावधानियों की, तो जब आप इस सिरप का सेवन करते हैं उस दौरान में आपको नॉर्मली बहुत ज़्यादा हैवी फूड, जंक फूड, मैदा की बनी हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार, चाउमीन, बर्गर, इस टाइप का फास्ट फूड, जंक फूड आपको खाने से बचना चाहिए। नॉर्मल उबला हुआ खाना, सेंधा नमक से बनाया गया भोजन आपको प्रयोग करना चाहिए और किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने से आपको बचना चाहिए, किसी भी तरह का वजन उठाने से आपको बचना चाहिए। सबसे लास्ट में फ्रेंड्स बात करते हैं हम इस सिरप की प्राइसिंग के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 200 ml की पैकिंग में यह सिरप जिगरीन आपको अवेलेबल होता है। 200 ml सिरप की जो कीमत है वो रहती है 90 rupees अर्थात 90 रुपये। आपके आसपास किसी भी प्रमुख मेडिकल स्टोर अथवा आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान से बहुत आसानी के साथ में आपको यह उपलब्ध हो जाता है। ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपने कभी हमदर्द के जिगरीन सिरप को सेवन किया है तो कैसे इसके रिजल्ट रहे, किस तरह का यह सिरप आपको महसूस हुआ, आपका एक्सपीरियंस आप फीडबैक के तौर पर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।
वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसको अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सके। बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट की जानकारी के साथ में आपसे मैं मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।